जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये कल के हमारे क्वेश्चन है। लेकिन अभी ये लोग आए नहीं होंगे, तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको देख लेंगे। तभी जिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो सब मौजूद किए, ठीक है। हाँ जी, परसों के लिए रिमाइंडर वो भी रहते हैं जी। कल क्या किया था हमने, एड्रेस कर लें, बता दें हमें, और कोशिश करें कि कोई नए लोग बता दें, ताकि आप लोगों से भी गुफ्तगू नहीं हो सके। हाँ जी, एड्रेस कर लें। जी मरियम अफरीदी, आपको नोट किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर कल हमने यूएस में एलएलसी ओपन करने के बारे में सीखा था। तो सबसे पहले ये देखना था हमने कि क्या बिजनेस टाइप्स हैं यूएस में। तो एक उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एस कॉरपोरेशन है, और सी कॉरपोरेशन है, और एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। तो सर इसके बारे में तुमसे ज़्यादा नहीं मैंने सर्च की, लेकिन आगे वाला टॉपिक मुझे आता है वो जो हमने पढ़ा था। सॉरी सर, उसमें ये था कि जो यूएस की डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इसमें यूके से डिफरेंट है, हर स्टेट के लिए अलग है। उसमें एलएलसी ओपन करनी होती है, उसकी उसकी डिफरेंट फीस होती हैं। तो और टैक्स कलेक्शन भी उनका डिफरेंट है। एक फेडरल लेवल पे टैक्स वो लेते हैं, और स्टेट का अलग टैक्स होता है जिस स्टेट में हम एलएलसी ओपन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सेल्स टैक्स, सेल्स पर जो टैक्स आता है वो भी स्टेट लेती है। तो हमने ऐसी स्टेट देखनी है जिसमें हम एलएलसी ओपन करें। तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है बिल्कुल। आप हेलो। कंटिन्यू। तो सर हमें ऐसी स्टेट देखनी है जो प्रॉफिटेबल हो। एक जो है हमें वो फेडरल लेवल पे टैक्स एग्जम्पशन देती हो, और दूसरा ये कि एनुअल बैनुअल फी उनकी बहुत कम हो, और फर्स्ट टाइम जो इनकॉर्पोरेशन फी होती है उनकी वो भी कम हो, और स्टेट का इनकम टैक्स जो है उस पर ना हो। फिर आपने जो है डिफरेंट स्टेट्स दिखाई थी और उनकी फीस जो है उनकी वो दिखाई थी। और दो मेथड होते हैं एलएलसी ओपन करने के। एक तो ये होता है कि कोई वेबसाइट हम यूज करें रजिस्टर्ड एजेंट के लिए, और दूसरी ये है कि हम डायरेक्टली फाइल करें स्टेट की वेबसाइट पे एलएलसी के लिए। तो जो अगर हमें रजिस्टर्ड एजेंट का ये मतलब है कि या तो वहाँ पे कोई रिलेटिव हो, या कोई भी ऐसा जो वहाँ का रेजिडेंट हो और वो हमें जो फिजिकल एड्रेस है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये हमें कोई पर्सन भी कर सकता है, और इसके लिए हम जो है कंपनी भी हायर कर सकते हैं कोई जो हमारे एज अ रजिस्टर्ड एजेंट तौर पर काम करेगी। फिर आपने एलएलसी ओपन करना सिखाई थी, और किस तरह से एक हम अपने रजिस्टर्ड एजेंट हायर कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस आपने बताया था। ठीक है। और वाइल क्रिएटिंग द एलएलसी हमें उसके अंदर कुछ स्टेप्स याद आए तो वो भी बता दें। स्टेप्स तो नहीं है, बस यही था कि हम ये देख रहे थे उसमें कि जहाँ पे हमें मिनिमम फी पे करनी पड़े, और बस यही था कि हम ऐसे ऑप्शन हम देखेंगे। क्योंकि कंपनी जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, एक साल से कम ही चलेगी। तो हमें ये देखना है कि हमें फिर उसमें लॉस ना हो, और लोगों में मिनिमम फीस में ना काफ़ी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। चलें, ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। थैंक यू।
अब मुझे ये बताइए कि एस कॉप सी कॉप और जो बाकी टाइप्स थी उसके बारे में अगर किसी ने पढ़ा है तो वो बता दे प्लीज। एस कॉप सी कॉप के बारे में अगर किसी ने पढ़ा तो बता दें। एड्रेस कर लो। या कोई अल्लाह का बंदा बंदी जिसने थोड़ा सा टाइम दिया हो उसके बाद लेक्चर के। सर सर जी जी वालेकुम सलाम। तो मेरा बिजनेस वगैरह तो कोई उस तरह बैकग्राउंड तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही बस इनमें डिफरेंस के मुझे एटलीस्ट पता हो तो उसके लिए थोड़ा सा किया था। इसमें ये था कि जो एस कॉर्प है वो थी सोल कॉर्पोरेशन, यानी जो एक सिंगल पर्सन है वो उसी की कॉर्पोरेशन होगी। वो उस जैसे आपने LLC में तो बताया था ना कि उससे अगर कोई भी होगी उसकी कंपनी उससे सेपरेट होगी, अगर कोई डेट है कोई पेमेंट है कुछ भी चीज़ है वो उस पर्सन की लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन सोल में ये था कि उसी की लाइबिलिटी होगी और उसको ही कंपनी कंसिडर किया जाएगा, लाइक अगर वो पर्सन अगर मर जाता है तो वो कंपनी भी खत्म हो जाएगी, उसके बिना वो कंपनी नहीं चलेगी और उसके एसेट्स वगैरह या कुछ भी कोई नुकसान फायदा वो उससे सेपरेट नहीं होगा कंपनी से। और जो दूसरी थी पॉलिसी को जिसको हमने लिखा था उसको वो कॉर्पोरेशन बोल रहे थे, और उसका ये था कि वो भी LLC की तरह की उसमें भी मेंबर्स भी हो सकते थे, लेकिन इसमें ये था कि शायद ये थोड़े से बड़े लेवल के जैसे कॉर्पोरेशन कहते हैं उस तरह था कि इसमें आपको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होना चाहिए और उनके नीचे जो फिर उन्हें डिफरेंट लोगों को अपॉइंट करना था जिनके अपने सेपरेट ऑफिस हों, कॉर्पोरेशन उस तरह होंगे और नॉन प्रॉफिट शायद NGO जैसे यहाँ पे उस तरह होगी। और ये जो है हमारी वाली LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, इसमें यह कि अगर सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल मेम्बर्स भी हो सकते हैं, और ये था कि इनके अपने जो होगी चीज़ें वो कंपनी से सेपरेट होंगी, जो भी टैक्स अगर देना है कोई कोई पेमेंट करनी है वो कंपनी के जैसे अकाउंट होगा उसमें से होगी, उनका पर्सनल जो होगा वो अकाउंट वगैरह उसके साथ अटैच नहीं होगा। जो भी फायदा है नुकसान है वो कंपनी को उनके अपने एसेट से ले दो। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी चलें यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहले लेक्चर 8 के हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। जी जी ये स्टार्ट में किया था हमने LLC क्रिएशन के स्टार्ट में देखा था कि ये वाली अदर देन LLC ये भी टाइप्स हैं बिजनेस की US में, ठीक है। अच्छा जी सईदा रिद्दा जैनब कह रही है ये नंबर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। ये एक नंबर होता है जो कि आपका टैक्स नंबर होता है जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं सॉरी। और जो नॉन रेजिडेंट है जो कि US के रेजिडेंट नहीं है वहाँ पे मौजूद नहीं है उनको ये नंबर इशू होता है, अपनी वो टैक्स लाइबिलिटीज इसके थ्रू करते हैं। अच्छा जी मैं उनसे बोल लेता हूँ। Which नया पे अकाउंट शुड बी साइन अप फॉर पर्सनल और बिजनेस, नया पे एक ही होता है, ठीक है एक ही होता है वही साइन अप करेंगे आप। आज के लेक्चर नोट्स है मोहम्मद वाजिद जवेद ज्वाइन नहीं कर सके। अच्छा आप सत्यन साहब से कॉन्टेक्ट कर लें उन्हें मैसेज कर दें वो कर देंगे। मारिया दिलशाद इन्होंने अकाउंट बना लिया है, ठीक है। और मारिया दिलशाद अगर आप हैं हमारे पास तो आपने जो प्रोसेस फॉलो किया अगर आप वो बता दें तो सबको हेल्प मिल जाएगी। अभी उसका क्या स्टेटस है जी आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी मारिया दिलशाद आपको आ रही है बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर जो आपने बताया था वही फॉलो किया था, लेकिन ओटीपी का मसला बन रहा था वही वाला, तो वो एक करीबी था उसका यूके में, मतलब उसका यूज किया था, तो फिर ओटीपी आसानी से मिल गया था। उसके बाद पीडीएफ में वैसे किया था बैंक स्टेटमेंट का, तो उसका मसला बन रहा था, तो फिर वो कल जाके वो लेके आए, तो फिर उसके बाद सही हो गया। दोबारा ईमेल आई थी कि ये वाले स्टेप डाउन थे ना आप कर लें। बैंक स्टेटमेंट कौन सी आपने लगाई थी? जी सर, बैंक स्टेटमेंट कौन सी यूज की थी आपने? सर पीडीएफ में किया था वो, उसमें स्क्रीनशॉट ले गए तो वो यूजेबल नहीं था, वो मतलब एरर आ रहा था, ईमेल आई थी अमेज़न वाले की तरफ से, तो उसके बाद उसको एडिट करके फिर वो जोन सी लाए थे तो वो पुट कर दी। कौन से बैंक की लगाई थी स्टेटमेंट आपने? फैसल बैंक। फैसल बैंक की, ये इसका बराक डिजिटल अकाउंट या दूसरा अकाउंट था? जी जी, बराक डिजिटल अकाउंट लास्ट टाइम बनाया था मैंने। ठीक है, तो उसके फिर आपने ब्रांच से ली स्टेटमेंट साइंस फर्म के साथ? जी सर। ठीक हो गया, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हुई थी आपकी? नो सर, ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल नहीं, वीडियो कॉल नहीं हुई, ओटीपी एड्रेस पे नहीं उन्होंने भेजा? नो सर, वीडियो कॉल तो नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ये लास्ट पे ईमेल ये वाली आई थी कि टू स्टेप। तो अभी आपने साइन इन किया है उधर सेलर सेंटर में? नहीं सर, वो थोड़ा सा नेक्स्ट आपसे पूछना था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है अभी के नहीं करें उसको, साइन इन करें, साइन इन करके देखें वो एक्टिव है या नहीं है, या अभी इसमें फर्दर को वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको? ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। सर जी, एल एल सी ओपन करते हुए मेलिंग एड्रेस में आपने कहा कि वर्चुअल एड्रेस पाए करेंगे, मैं कुछ नहीं कि वहाँ पे मुझे छोड़ेंगे एड्रेस नहीं देंगे, अगर नहीं तो फिर एजेंट की ज़रूरत कहाँ होगी? ऐसे दो चीज़ें, जिस तरह यूके लिमिटेड कंपनी में आपका एक बिजनेस एड्रेस था, ठीक है, और वहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस भी वही था, यहाँ पे आपका जो बिजनेस एड्रेस है ना बेसिकली वो आपके जो एजेंट है उसका एड्रेस है, रजिस्टर्ड एजेंट का फिजिकल एड्रेस वो है, लेकिन मेलिंग एड्रेस जो है वो आपका डिफरेंट है। आप मेलिंग एड्रेस वही रख सकते हैं उन्हीं से बाय करके, लेकिन आप जो मेलिंग एड्रेस है वो सेपरेटली भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, कि मेल मुझे यहाँ पे आएगी, मेलिंग एड्रेस पर आएगी, तो ये उसके अंदर डिफरेंस है सिर्फ। नहीं जी, लेक्चर 7 में आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। अमेज़न अकाउंटिंग स्टेटमेंट करना सिखाएंगे जी, उसमें कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे मसले आ जाते हैं, और उसको रीन स्टेटमेंट किस तरह से करेंगे, बिल्कुल होगा। नया पे अकाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलएलसी हो गया, टैक्स रिडेम्पशन बताएंगे आप उसी के में, टैक्सेशन में आज डिस्कस करेंगे हम। कर भी सकते हैं अगर परमानेंटली वो बंदा यूएई शिफ्ट हो गया, बट यू कैन डू इट लाइक समवन इज ओपनिंग इट फ्रॉम यूएई एंड आफ्टर एन आवर वो बंदा उस अकाउंट को पाकिस्तान से चला रहा है, इस तरह से नहीं, लेकिन ये तो समझ में आता है कि बात के एक बंदा पाकिस्तान रहता था, वो यूएई शिफ्ट हो गया, वो अपना अकाउंट वहाँ पे यूज कर रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये ना हो कि कभी वो यूएई में चल रहा है, कभी पाकिस्तान में चल रहा है, फिर बंद हो जाएगा। यूएई में बनाया गया इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान में यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक है, एक दफा हो गया समझ में आती है कि वो बंदा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन बार बार नहीं, घंटा उधर घंटा इधर, या एक दिन उधर एक दिन उधर, वो नहीं होगा। अच्छा जी, नुमान अली, आपको इसमें जो डिटेल्स है ना जो आपने पुट इन की थी वो
जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, ठीक है, दो चीजें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और जो डिटेल्स वहाँ पे डाली थी उसका स्क्रीनशॉट वो मुझे व्हाट्सएप करते और सॉरी ये मैसेंजर पे देते, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है, उसको अकॉर्डिंगली पे देखेंगे। कि जो पासवर्ड आपने अपलोड करना होता है, मैं दोबारा बता दूँ, बार बार आप लोगों को बताया कि उसका जो PDF बनेगा ना, उसकी ऊपर उसकी फ्रंट साइड होगी, नीचे उसकी बैक साइड होगी, ठीक है, या उसके सॉरी दो हैं, अगर एक फ्रंट वाला बटन है और एक बैक वाला बटन है, तो एक फ्रंट साइड हो जाएगी उसकी एंड ऑन द बैक साइड जो उस पर सिग्नेचर वाला पेज है पासपोर्ट का वो वाला अपलोड होगा, ठीक है, तो वो दोनों उसके अंदर आपने डालने, फ्रंट साइड आ जाएगी जिसमें डिटेल्स होती हैं और बैक साइड पे सिग्नेचर वाला पेज आ जाएगा। मारिया तेजाद, हाँ जी कर सकते हैं आप, और नंबर ऐसा होती है का है कोई और है वहाँ पे OTP आ सकती है, तो बाद में उसको चेंज कर लें आप, जी बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान है, रेजिडेंस ऑस्ट्रेलिया है, बैंक डिटेल्स कार्ड ऑस्ट्रेलिया है, मोबाइल नंबर ऑस्ट्रेलिया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पासपोर्ट है, इन डिटेल्स पे पर्सनल अकाउंट बन जाएगा अमेज़न का, इसको बनाने के लिए भी पीस चाहिए होगा। अच्छा, रेजिडेंस जब ऑस्ट्रेलिया है ना, तो आप अपनी जो उसकी डिटेल्स हैं कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अगर आपके पास वहाँ का करंट रेजिडेंस परमिट है इसका ऑस्ट्रेलिया का उस बंदे के पास, तो वो उसको यूज करके ऑस्ट्रेलिया से बनाएगा अकाउंट, ठीक है, या अगर आप पाकिस्तान से बना रहे तो फिर यू विल बी यूजिंग ऑस्ट्रेलियन BPS, ठीक है, BPS ऑस्ट्रेलिया का लगा के उसके ऊपर बनाएंगे, तो इट्स बेटर कि दे यूज डिटेल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का जो भी रेजिडेंस कार्ड है या ड्राइवर्स लाइसेंस है, इस तरह की जो भी कोई आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को यूज करें और उससे बनाए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आप बना रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप पाकिस्तान से बनाएंगे तो फिर आपको BPS चाहिए होगा, क्योंकि रेजिडेंस ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए ना, कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आपको BPS चाहिए होगा। इंडिविजुअल अकाउंट की OTP के लिए UK उसके रेजिडेंट का नंबर ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, जो किसी कंट्री ऑफ रेजिडेंट के लिए भी यूज हो चुका, नहीं जो उसके प्रोफेशनल अकाउंट के लिए यूज हो चुका वो नहीं होगा, ठीक है, जो नंबर पहले यूज हो चुका है वो नंबर नहीं यूज करना आपने, ठीक हो गया। ये हमारे जी सवाल दो जवाब जो है वो खत्म हो गए, अब हम आ जाते हैं EIN नंबर पे, ठीक है, आज हम देखेंगे कि EIN नंबर किस तरह से ओपन होगा। ये नंबर कल मैंने आपको बता दिया कि आपको थ्रू फैक्स, आप अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो विदाउट SSN थ्रू फैक्स आप अप्लाई कर रहे होंगे, दिस इज फ्री, टेक्स 10-15 डेज, और डिजिटल फाइलिंग अगर आपके पास SSN नंबर है, या आपका कोई SSN नंबर आपके पास कैसे हो सकता है, आपका तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली आप किसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कुछ लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं LLC की और वो कहते क्या है कि वो SSN नंबर किसी का भी रैंडम उठा के इंटरनेट से मिल जाते हैं आपको, फेक SSN नंबर मिल जाते हैं, या लोगों के SSN नंबर का डाटा पड़ा होता है कुछ वेबसाइट्स पे, वो उठा लेते हैं, उस बंदे को पता भी नहीं होता कि मेरा SSN नंबर को यूज़ कर रहा है, तो क्या करते हैं उस SSN नंबर को यूज़ करते हैं, यूज़ करके उसके ऊपर ऑनलाइन EIN नंबर निकाल के आपको दे देते हैं, तो ये बहुत इमोरल भी है, उस बंदे को पता नहीं है कि उसका SSN यूज हो रहा है, उसके ऊपर आप EIN नंबर निकाल रहे हैं, सेकेंडली इट्स रिस्की एज वेल, लेटर ऑन उसको कोई भी उस SSN नंबर वाले को कोई ईमेल जाती है, कोई मेल जाती है कि आपने ये कंपनी ओपन की, वो रिपोर्ट करेगा और वो इमिजिएटली बंद हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए आपने किसी का SSN नंबर इस तरह से यूज नहीं करना। इस तरह से हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला है तो यू मेक हिम योर पार्टनर इन LLC, आप उसको मैनेजिंग पार्टनर बना सकते हैं, मैनेजिंग मेंबर बना सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसके SSN के थ्रू EIN नंबर निकाल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन
इस तरह से नहीं होगा कि किसी का रैंडम ऐसे ऐसे नंबर उठा के जिस तरह लोग कुछ कर रहे हैं वो वाला काम नहीं करना, क्योंकि वो खतरनाक है, ठीक है, इमोरल भी है, खतरनाक भी है। अच्छा, अभी थ्रू फैक्ट्स की फाइलिंग हम देखते हैं जी आती है किस तरह से होगी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, SSN नंबर ऑनलाइन कुछ लोगों के मौजूद होते हैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, उनको नहीं पता होता कि हमारा SSN नंबर है कहीं किसी वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो मर गए होते हैं वो, मरे हुए लोगों के SSN नंबर यूज हो जाए वो हो जाते हैं, ठीक है। उसको मरे हुए बंदे को कहाँ पे कोई लेटर जाना है या उसने क्या करना है, उनके SSN काफी इस तरह के फ्रॉड है, तो उनसे फिर आपने अवॉइड करना है। कि कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना कि भाई इमिजिएटली ये नंबर ले, एक घंटे में ये नंबर ले, सेम डे ये नंबर देंगे आपको, ठीक है, इतने पैसे लेंगे, तो वो सेम डे नंबर इसी तरह से आता है। फिर किसी का SSN नंबर उठाया, डाला, ये नंबर निकाला, आयरस से और आपको दे दिया। हाँ जी, आइटिन भी यूज हो सकता है, SSN की जगह आइटिन भी यूज हो सकता है अगर वो किसी का है, लेकिन आइटिन इज अगेन फॉर द रेजिडेंट्स, जो रेजिडेंट्स हैं उनके पास ही है ना, या इफ समवन हैज विजिटेड यूएस और वो वापस आ भी गया तो उसका आईटीन नंबर उसके पास होगा, वो वाला कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाली फाइलिंग देख लेते हैं हम, इसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, एक्सपोर्ट फॉर्म, ये जी IRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्सपोर्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लें। जी बाइक से नंबर का तो पता, क्लेम अमाउंट में नहीं, उसने क्या हुआ, क्लेम अमाउंट देख लें क्या है, किस तरह का कार्ड, या नहीं मुझे यहाँ डिटेल्स दे दें इसका, लिंक भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ले जी, ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को फिल करेंगे हम, फिल करने के बाद इसको हम फैक्स करेंगे, ठीक है। ये SS4 फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर यूज बाय एम्प्लॉयर्स, कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप्स, ट्रस्ट, स्टेट, चर्चेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडियन ट्राइबल एंटिटीज, सर्टेन पेशेंट्स, ठीक है। और इसका लिंक को मैंने वहां शेयर, अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे EIN नंबर है, ये EIN नंबर यहाँ पे हम फिल इन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी EIN नंबर तो हमें चाहिए, तो जब ये EIN नंबर के लिए हम अप्लाई कर देंगे तो हमें जब रिप्लाई आएगा इसका, तो इसके रिप्लाई में वो EIN नंबर लिख के आपको फैक्स बैक करेंगे, ठीक है। नहीं, ये थ्रू स्टेट वेबसाइट नहीं होता, ये IRS से होता है, EIN नंबर IRS से मिलता है, उसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका फेडरल से ताल्लुक है। अच्छा जी, सबसे पहले जी लीगल नेम ऑफ एंटिटी, आपका जो कंपनी का नाम है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, LLC, ठीक है। उसके ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस, अगर आप डिफरेंट ट्रेड नेम से बिजनेस कर रहे हैं तो वो आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट डूइंग इट, ठीक है, हम ट्रेड नेम से, डिफरेंट ट्रेड नेम से नहीं कर रहे होते, जो LLC का नाम होता है उसी से बिजनेस कर रहे होते। इसके बाद जी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी, केयर ऑफ नेम, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। मेलिंग एड्रेस के अंदर हम यहाँ पे मेलिंग एड्रेस कौन सा लिखेंगे, जो वर्चुअल एड्रेस आपने बाय किया हुआ जहाँ पे आपको मेल चाहिए होती है वो वाला एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेस नहीं होती, वेरी गुड, स्पेस डालते हैं, नीचे आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया।
यहाँ पे सिटी स्टेट एंड जिप कोड आ जाएगा, ठीक है। सिटी आपने ऑब्वियसली जब एड्रेस अप्लाई करेंगे तो एड्रेस पता ही होगा आपको, मेंटेन है तो हमारी सिटी और स्टेट भी हम मोन्टेना लिख देते हैं, और उसके बाद आपका जिप कोड आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना, इफ डिफरेंट, इफ डिफरेंट, ठीक है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज लोकेटेड, आप इसको गूगल से चेक कर लेंगे कि आपकी काउंटी कौन सी है, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं जो मोन्टेना है। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी आपका जिस बंदे का यहाँ पे, जी नहीं SSN नंबर के बगैर है ये निशान शबीर, इसमें SSN नंबर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये वी आर अप्लाइंग ऑन आर ओन एज नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। तो इसमें SSN का कोई चक्कर नहीं है, वो होता तो फिर ये फाइलिंग होगी, ऑनलाइन फाइलिंग होगी, IRS की वेबसाइट से वो ऑनलाइन फाइलिंग होगी। अच्छा जी, जिस बंदे के नाम पे LLC है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ना SSN है, ना IT है और ना EIN है, तो यहाँ पे आप फॉरन लिख देंगे, ठीक है। इस दिस एप्लीकेशन फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अ फॉरन इक्विवेलेंट, जी LLC के लिए। एंटर द नंबर ऑफ LLC मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं जी, एक है एक लिखते हैं, दो है दो लिखते हैं, चार है चार लिखते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एंटिटी क्या है आपकी, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कॉरपोरेशन और पर्सनल सर्विस कॉरपोरेशन शेयर्स अगर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरन बिजनेस एंटिटी, ठीक है, अदर वगैरह के फॉरेन बिजनेस एंटिटी वो यहाँ पे लिख देंगे हम। इसके बाद आ जाए जी, इसको प्लान छोड़ेंगे इसी में से है बन के। इफ अ कॉरपोरेशन नेम द स्टेट और फॉरेन काउंट कंट्री इफ एप्लीकेबल वेयर इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। नहीं ये 9B हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, हम कहीं यूएस में ही हमने ओपन की हुई है, ठीक है। रीजन फॉर अप्लाइंग Started new business, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑनलाइन रिटेल सेलिंग, ठीक है, या आप ई कॉमर्स लिख देंगे, जी मैं देख लूं चैट आपकी क्या कही जा रही हैं आप। साथिया मुनीर हमने कर लिया रिवाइज, आप लेट आइए, रिवाइज हो चुका है, 8C पॉइंट रह गया है, एक मिनट है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज 8A is yes, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे से ऑर्गेनाइज हिंदी मिनट से यहाँ पे यस हो जाएगा, दोबारा बता दूं, मरियम अफरीदी पूछ रही है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म, ये फॉर्म बेसिकली EIN नंबर लेने के लिए हम फैक्स करेंगे IRS को, और वहां से हमें रिप्लाई आएगा इस फैक्स के रिप्लाई में, जो कि जिसमें वो EIN नंबर हमें हमारा लिख के यहाँ पे दे देंगे, और सेकेंडली दे विल सेंड अस अ लेटर, जो कि EIN इनकॉर्पोरेशन का लेटर होता है जिसमें EIN नंबर होगा। हौसला फरमा लेना, फैक्स भी आ जाता है, दिखाएंगे। अच्छा जी किधर पहुंच गए थे, बीच में वापस आप ले आते हैं मुझे। रीजन फॉर अप्लाइंग हो गया, क्या है जी, हमने ऑनलाइन रिटेल ई कॉमर्स बिजनेस करना, ठीक है। डेट बिजनेस स्टार्टेड और एक्वायर्ड, यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट को हमने LLC इनकॉर्पोरेट की है, आपकी जो LLC का वो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है,
जो लेटर होता है उसके ऊपर जो डेट है उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो यूज होगी। एग्जाम्पल हम कहते हैं कि July 1, 2023 को हमारी LLC बनी है। उसके बाद क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर की मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबका दिसंबर ही होता है, दिसंबर में क्लोजिंग होती है US में। अच्छा जी, हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एम्प्लॉयर हमने अभी हम नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। इफ यू एक्सपेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लाइबिलिटी 1000 इसको नहीं चेक करेंगे, इसको छोड़ देंगे ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि हमारा टैक्स लाइबिलिटी हम अभी नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप लोग अगर इसको सुन ले और प्लीज टाइप करना बंद कर दें तो देख लेना, फिर मिस हो जाते हैं स्टेप्स और फिर आप लोग कहेंगे कि हमें समझ नहीं आए। फर्स्ट स्टेट वेजेस और एनुटीज वर पेड मंथ पे या नॉट एप्लीकेबल कैश होल्डिंग विदाउट एजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एम्प्लॉय ही नहीं शो कर रहे तो फिर हम यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट शोइंग दैट वी हैव गॉट एनी एम्प्लॉय। 15 इज ब्लैंक। 16 पे आ जाए। चेक वन बॉक्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस। तो इसमें कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस कुछ नहीं आता, अदर करके और यहाँ पे आप एक फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेट प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, कंस्ट्रक्शन वर्क डन, प्रोडक्ट प्रोड्यूस, सर्विस। कह रहे हैं अपना थोड़ा सा स्पेसिफिक बता दें कि जी आपकी क्या है। हम इसे कहते हैं जी होम इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये इस तरह की जी चीजें करते हैं हम, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोर्स भी कर सकते हैं आप, फिर उसमें वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, पेट सप्लाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा जी, 18 पे आ जाए। हैज द एप्लीकेंट एंटिटी शोन ऑनलाइन वन एवर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एन ईआईएन? नो, हमने पहले नहीं किया जी, पहले ना ही हमें मिला, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला जो डब्बा है थर्ड पार्टी डेजिग्नी वाला, ये किसके लिए है? इफ समवन इज अप्लाइंग ऑन योर बिहाफ, इफ सम अटॉर्नी और सम एजेंट इज अप्लाइंग ऑन योर बिहाफ, तो फिर यहाँ पे वो अपनी डिटेल्स देगा, ठीक है। इफ यू आर अप्लाइंग बाय योरसेल्फ या आप अपने क्लाइंट का अप्लाई कर रहे हैं बट योर शोइंग इट के क्लाइंट डायरेक्टली अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि आप अपने क्लाइंट का अप्लाई कर रहे हैं, यू नॉट एन अटॉर्नी या ऑथराइज्ड पर्सन, आप वो नहीं बनेंगे, आप जस्ट यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखेंगे या अपना नाम लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला काम क्या है, ये वाला थर्ड पार्टी डेजिग्नी, ये खाली छोड़ देना, इसको नहीं फिल इन करना। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, अंडर पेनल्टीज ऑफ परजरी आई डिक्लेयर दैट आई हैव एग्जामिन्ड दिस एप्लीकेशन एंड टू बी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव इट्स ट्रू करेक्ट एंड कंप्लीट। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे जिसके नाम पे LLC है और ये नंबर जिसके नाम पे अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे सिग्नेचर, PDF में सिग्नेचर करने के लिए आपको इसको PDF पहले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके ना आपने फिल जब करना है तो एडोब रीडर के अंदर जाके फिल इन करना, ठीक है। और एडोब रीडर में फिल इन करने के बाद आपने इसमें उसमें जब ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप सिग्नेचर्स या तो यहीं पे कर सकते हैं या फिर तो सिग्नेचर का आपका इमेज है जो कि PNG इमेज होता है, PNG इमेज के अंदर आपकी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो वाइट भी नहीं होती, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, तो आप अपना एक सिग्नेचर करके उसको वहां पे रख लेंगे, ठीक है। आप पेड के ऊपर अपना सिग्नेचर कर लेंगे और उसकी PNG फाइल सेव करके रख लेंगे एंड यू विल इम्पोर्ट दैट PNG फाइल हेयर, यहाँ पे आप सिग्नेचर अपने कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस डेट के ऊपर आप ये फिल कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एप्लीकेंट्स टेलीफोन नंबर, अगर आपने वाइफ का नंबर या कोई यूएस का नंबर ले लिया तो आप उसको लिख देंगे, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन पाकिस्तान नंबर एज वेल, ठीक है, +92 डाल के, 0092 डाल के आप पाकिस्तान का नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जी एप्लीकेंट्स फैक्स नंबर, ये फैक्स नंबर अभी हम देखते हैं कहाँ से लेंगे, किस तरह लेंगे। जो फैक्स नंबर हम लेंगे जिसके थ्रू हम अप्लाई कर रहे होंगे वो फैक्स नंबर हमने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो। इसके बाद कुछ नहीं है, नीचे से इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, इफ आई कैन सेव इट विद योर चेंजेस विदाउट योर चेंजेस विद योर चेंजेस, इसको वर्जन आप डाउनलोड करते हैं। और ये मतलब ये फॉर्म इसी तरह से मैं आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी ने देखना हो कि क्या स्टेप्स फॉलो हो तो वहाँ से उसको देख सकिए। अच्छा आप आ जाए जी, ये फैक्स कैसे होगा, फैक्स नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्स नंबर भी लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर और डेट डाल के हमें इसको फैक्स करना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन फैक्स फ्री ट्रायल वाली हम देते हैं, कोई क्या है ना, फ्री ट्रायल वाली मिल जाए, myfax.com, smartfax, efax.com, इसकी बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, efax.com को हम ओपन कर लेते हैं। ईफैक्स के ऊपर जी फ्री ट्रायल में मिल जाएगा और जिंदगी हमारी आसान, खुशनुमा, खुश रंग, दिलकश हो जाएगी। ले जी वो पूछ रहा है कि जो सी द कंट्री आर लुकिंग फॉर, बताएं जी कहाँ का चाहिए, हमें चाहिए जी यूएस का। अच्छा फैक्स नंबर लेते हुए चीज का ख्याल रखना है कि जिस स्टेट में आपकी वेबसाइट आपकी एलएलसी ओपन है, जिस सिटी में या स्टेट में, सिटी अगर मिल सकती है तो ठीक है, लेकिन जिस स्टेट में और जिस काउंटी सिटी के अंदर आपने एलएलसी ओपन किया ना, फैक्स नंबर पे उसी का लेना, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि मैं कंपनी ओपन करूँ कराची में और उसकी डिटेल के नीचे नंबर वगैरह लाहौर का ओपन हुआ लिखा हुआ, ठीक है, तो इट डजंट मेक सेंस। यूएस कलेक्ट कर लिया, एरिया कोड और स्टेट, हम कहते हैं जी हमने मोंटाना बनाई थी, कल मोंटाना में वजन हमारी एलएलसी है। सिटी कौन सी है हमारी, सिटी है हमारी जी वॉर्म स्प्रिंग्स, ये नाम अच्छा लग रहा है, ये वाला हमने सिटी सिलेक्ट कर ली। और इसके अंदर भी वो तीन नंबर की ऑप्शन दी है उसने आपको, हम कहते हैं चलें जी पहले वाला नंबर हमें दे स्टार्ट फ्री टाक। नाम बता दें जी अपना, ये हमारा नाम है जी, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस बताइएगा, कोई ईमेल आ जाए जहाँ पे, ईमेल एड्रेस बल्कि मैं देख लेता हूँ यहाँ से लगा जी कौन सा लगा हुआ है मेरे पास। बारबरा साहब आपका वो पूरा नहीं नाम आया आज, बारबरा वाला बार्ब हो गया ये, अच्छा ये वाला हम दे देते हैं जी ईमेल एड्रेस,
$18.9 मंथली प्रोसेस 14 days। अच्छा, कंट्री, पाकिस्तान, फोन नंबर, यहाँ बिलिंग डिटेल है तो आप पाकिस्तान की भी डाल सकते हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। एड्रेस लिख दिया हमने, कोई भी नहीं जी। यहाँ पे हमें क्रेडिट का कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड नंबर 6653 चलो चेक कर लूँ कौन सा कार्ड क्या है। यहाँ पे वही वाला कार्ड आएगा जी, कौन सा, वारदात वाला कार्ड, ठीक है। इस कार्ड में पैसे हैं वो यहाँ पे नहीं लगाने, वारदात वाला कार्ड है मेरे पास, क्लाइंट का ही लगाना है, अगर क्लाइंट देते हैं तो, नहीं तो अपना कार्ड रखे इस तरह का जिसमें पैसे ना हो और आप उसको हर जगह उस कार्ड पे आपने हर बंदे के पैसे देने, लोग आपको ढूंढते भी नहीं बंदा किधर। ठीक है, चलो मैं लगा देता हूँ। असल में फैक्स आपको करके दिखानी है ना, इसी तरह है आप टू गो थ्रू ऑल ऑफ द प्रोसीजर। आई एग्री, आई एग्री, एक्टिवेट अकाउंट, जी आर यू फैक्सिंग फॉर पर्सनल और बिजनेस यूज, जी बिजनेस यूज के लिए कर रहे हैं। रीसेलर इंडस्ट्री हमारी है जी, इंडस्ट्री कोई भी कर रहे, डजंट मैटर, रिटेल है, कंपनी साइज हमारी छोटी सी है, कंटिन्यू। ईमेल वेरीफाई कर लेंगे, एक फैक्स वालों की ईमेल आ गई है, फैक्स नंबर है हमारा, कंपनी साइज में मतलब ये कि हमारा इसमें कौन सा वो है, कितने बंदे हैं इधर, इस अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं। यूके का पोर्टल कहां से आ गया, चले कोई मसला नहीं, यूके का भी आ गया नंबर, तो हमारा फैक्स नंबर तो यूएस का है, पोर्टल यूके का, तो ठीक है। ले जी यहां पे हम आएंगे सेंड फैक्सेस, फैक्स सेंड करेंगे हम। अब जदीद दौर में फैक्स, एक तो उनकी हरकतें देखिए, उन्होंने अभी तक फैक्स सिस्टम मोड रखा हुआ है आईआरएस वालों, तो खैर उसकी वजह से ये फैक्स का सिस्टम जदीद हो गया, पहले मशीन होती थी इतनी बड़ी ऑफिस में, तो खत्म हो गई। अच्छा यहाँ पे आप जी जो नहीं सॉरी रेसिपिएंट की डिटेल आपकी नहीं आई, तो रेसिपिएंट की डिटेल जो है वो जी है ये EIN operations then that in Ohio, लेजी वन ऑफ द 50 स्टेट इज कोलंबिया इंटरनल रेवेन्यू सर्विस टेंशन ऑपरेशन के है फैक्स नंबर की है, ठीक है। If you have no legal residence, principal place of business or principal office or agency in any state, तो फिर आप ये यूज करेंगे।
क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो यूएस के अंदर है, तो हम ये वाला यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं फेसबुक पे भी लिख देता हूँ। फैक्स नंबर लेना है आपने कहाँ से? efax.com से। उसके बाद आपकी जो फैक्स योर फॉर्म टू ये, इस पे आपने फैक्स करना फॉर्म। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। जी, अब इसमें आप जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम रेसिपिएंट का छोड़ देंगे हम। ठीक है, कंपनी नेम इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, फैक्स नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ये फैक्स नंबर है। नंबर आ गया। रेसिपिएंट लिस्ट, रेसिपिएंट कौन है आपका? अटेंशन हमने करना है टू ईएएन ऑपरेशंस इन सिटी ओहायो। ठीक है, जस्ट ईएएन ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, ईएएन ऑपरेशंस को हमने अटेंशन करना है। ठीक है, इसको एडिट कर देंगे। इसमें जो फर्स्ट लास्ट नेम में हम इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज लिख देंगे और कंपनी नेम में हम वो लिख देंगे, ये इन ऑपरेशंस लिख देंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको इस तरह इंक्लूड कवर पेज की वजह जस्ट आप ये नंबर और एलएलसी फॉरेन रेजिडेंट एलएलसी। ठीक है, बता रहे फॉरेन रेजिडेंट हूँ मैं प्रेजेंट और मुझे ई नंबर चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ई नंबर फॉरेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे हमारा जो फॉर्म अभी फिल किया है वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, एलएलसी का नाम आना है और जुलाई। ठीक है, फाइल अपलोड कर दे। ठीक है, डेस्कटॉप पे पड़ी थी ये जी, ये हमारा फॉर्म जो अभी हमने फिल किया था वो फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या आएगा? रेफरेंस आईडी कोई अपने लिए हमने लिखना है तो वो हम रेफरेंस आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेंड फैक्स, फैक्स आपकी सेंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जी ये वाला फॉर्म अपलोड कर दिया ना हमने, तो फिल किया था चूज फाइल करके फॉर्म हमने अपलोड कर दिया, तो फैक्स हमारी सेंड हो जाएगी। अच्छा, फैक्स जब सेंड हो जाएगी तो मैं इसको सेंड नहीं कर रहा ऐसे किसी, ऐसे उनको तंग करना बेचारे, फिर कहेंगे ये पाकिस्तानी हमें जो है वो हजूर में तंग करते हैं। फैक्स मैंने सेंड नहीं किए। यहाँ पे आपको जो रिप्लाई आएगा उसका आपके इनबॉक्स में आएगा, एक तो फैक्स का यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा और दूसरा ये कि आपके ईमेल एड्रेस पे भी आ जाएगा कि आपको ये फैक्स रिसीव हुई है। ठीक है, ये फैक्स आपको ईमेल भी कर देगा कि आपको ये वाली फैक्स रिसीव हुई है और यहाँ पे भी आपका व्यू फैक्सेस में आ जाएगा। इसका तकरीबन 6-7 डेज से लेके 10-12 दिन लग सकते हैं रिप्लाई आने में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बचत प्रोग्राम पे चल रहे हैं हमें चाहिए है
15 दिन से पहले पहले, ठीक है? 15 दिन से पहले नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा जी? हाँ जी, $18 देने पड़ जाएंगे, ठीक है? तो उसका फिर हल है, हल क्या है कि ये इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे नंबर, इधर नंबर था इनका, जी हेल्पलाइन IRS EIN नंबर, ये जी इनकी हेल्पलाइन है और इस हेल्पलाइन पे आपने कॉल कर देना है 6-7 दिन के वजन पे इनकी फैक्स की है आपको, ये वाली LLC से बात करो और मुझे बहुत ही अर्जेंट अपना ये नंबर चाहिए, वैसे ये वाला नंबर 6-4-4-9-3-3 ये वाला नंबर है जी, 6 AM to 11 PM ईस्टर्न टाइम मंडे टू फ्राइडे। और हाँ, उसमें आपका फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इफ दे आस्क यू एनी क्वेश्चन यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट एंड यू शुड टेल देम कि मैं वही बंदा बात कर रहा हूँ जिसका EIN अप्लाई हुआ है, आई एम द सेम पर्सन, आई एम नॉट सम ऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी, मैं वही बंदा हूँ जिसने फाइल किया हुआ, ठीक है? तो वो आपको उसको प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना वो डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ जो हमने बनाया। जी डॉक्यूमेंट भी आ गया इसके अंदर, इसको पोस्ट कर देते हैं। आई थिंक कुछ रह नहीं गया, अभी सब कुछ हो गया रिलेटेड टू ये। क्लाइंट के लिखेंगे तो थर्ड पार्टी में आप क्लाइंट का नाम ही लिखेंगे, ठीक है? उसमें और अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप क्लाइंट का नाम ही लिखेंगे। अच्छा जी, सिग्नेचर मैं बता दूं कि सिग्नेचर आपने अपनी पेंट के अंदर जाके सिग्नेचर कर लें, उसको सेव एस PNG कर लें, तो PNG फाइल आप डॉक में वहाँ पे सिग्नेचर वाली जगह पे लगा देंगे। हाँ जी, फैक्स कंप्लीट हो गया, फैक्स में जस्ट आपने फाइल अपलोड की है, रेसिपिएंट का नंबर लिखा है, नाम लिखा है और अटेंशन किया है ये इन ऑपरेशंस को और सेंड कर दिया, ठीक है? और वहीं पे जो उसका पोर्टल है इनबॉक्स वाला, वहां पे आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। ये किधर गया? ये न्यू फैक्सेस करेंगे तो इधर आपको रिप्लाई आ जाएगा। किसी ने कहा बिल्कुल ईमेल की तरह, जिस तरह ईमेल होती है ना, वैसे ही इसका पोर्टल बना हुआ है। वेयर टू फाइल पर ही तो कोई ऑप्शन नहीं थी, फाइल अपलोड की थी उसमें। EIN नंबर हमें चाहिए क्यों? अच्छा, इस पर कल हमने कर ली थी डिस्कशन। EIN नंबर आपको चाहिए होता है आपका, ये बेसिकली टैक्स नंबर है। जब आप US में LLC बनाते हैं तो आपको साथ टैक्स भी रजिस्टर करना है,
और फिर टैक्स रजिस्टर करने के बाद आपको बैंक अकाउंट जब बनाना है तो फिर आपको ईएन नंबर चाहिए होगा, और इसके अलावा आप अगर होलसेल करना चाह रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको रीसेलर आईडी या सेलर आईडी चाहिए और टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ पे ईएन चाहिए होगा। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे चाहिए होगा, मतलब इनफैक्ट विदाउट टैक्स नंबर यू कैन डू वन थिंग। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, इजी है, कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपको जस्ट इसको प्रोसेस को वो दफा देख लें। फॉर्म को पहली दफा मैं देख के वो फॉर्म लगता है डरावना सा, लेकिन वो जब एक दो दफा पढ़ लेंगे ना उसको तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, वो पहली दफा में इसी तरह से लगता है, तो पता नहीं इसमें क्या क्या मांग लिया है, कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। जब तो जायदादों की इन्फॉर्मेशन मांग ली इसने, तो जायदादों की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, बहुत ईजी है, बेसिक सी चीज है सारी। उसको जस्ट दो दफा तीन दफा पढ़ ले, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फैक्स आ जाए फिर कार्ड से डिडक्शन, उसके लिए देखें सूफिया खालिद, वो पहले मैंने बताया ना, वो कार्ड जिसके अंदर पैसे हों वो वाला कार्ड यूज ही नहीं करना। एक कार्ड अपना रखें जिसके अंदर आपके पैसे नहीं होते, तो 200 400 500 उसके अंदर होता है बस, वो वाला कार्ड आप यूज करें और हर जगह पे यूज करें फिर उसको। ऊपर अगर क्लाइंट का एड्रेस दे रहे हैं तो थर्ड पार्टी में क्या लिखेंगे अपना? नहीं, थर्ड पार्टी वाला ब्लैंक छोड़ना है ना। अच्छा, आप लोग ना बीच में मिस कर जाते हैं, पता नहीं चाय लेने चल जाते हैं, कॉफी पीने चल जाते हैं, मुंह पे छींटे मारने जाते हैं, क्या करते हैं कि लड़के जो है उनको अम्मी दही लेने भेज देती हैं, खातन है उन्होंने हांडी रखी होती है, वो जाके चम्मच लाने चल जाती है, फिर आके पूछते हैं कि ये वाला कैसे काम हुआ। भाई आप लोग नहीं थे उस वक्त जब मैंने बताया। ये नंबर के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे नहीं, उसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। टेलीफोन नंबर इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि 6 दिन बाद आपने इनको कॉल करनी है और इनको बताना है कि मैंने आपको फैक्स की थी, इस एलएलसी से बात कर रहा हूँ और उसका ये नंबर मुझे अर्जेंटली चाहिए, मुझे वो रिसीव नहीं हो रहा, प्लीज मुझे आप उसको आज ही रिसीव करा दें। ठीक है, तो 2 3 दिन आपको कॉल करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा, ताकि आपको 14 15 दिन से पहले पहले मिल जाए ना। अगर उससे लेट हो जाएगा तो $18 पड़ जाएंगे, वो देने पड़ेंगे फिर, और वो देने इसीलिए पड़ेंगे कि आपका जो फैक्स नंबर है उसी फैक्स नंबर पे तो रिप्लाई आना ना, तो वो फैक्स नंबर ही अगर आपके पास नहीं रहेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉल पे, हाँ कॉल पे बाइक का नंबर लेना, कॉल पाकिस्तान नंबर से नहीं कर लेना, आप पाकिस्तान नंबर से करेंगे वाकई ज्यादा बिक जाएंगी सारी, क्योंकि यूएस का नंबर है, इट्स नॉट अ टोल फ्री नंबर, तो आप बाइक का नंबर वो ले लें या स्काइप का ले लें, स्काइप कॉल पे बहुत अच्छा है। ठीक है, स्काइप का नंबर यूज कर लें, उससे कॉल कर लें। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है हमें? ये नंबर भी हो गया हमारा और एलएलसी भी ओपन हो गई। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, अगर किसी ने पंगा लेना हो खुद, तो फॉर एग्जाम्पल आप रजिस्टर्ड एजेंट यूज नहीं करना चाहते, या कॉल समवन विद एसएसएन नंबर एंड ही और शी कैन बी योर रजिस्टर्ड एजेंट, तो फिर आप डायरेक्टली स्टेट की वेबसाइट पे जाके एलएलसी रजिस्टर करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली स्टेट की वेबसाइट पे होगा, तो अब स्टेट फॉर एग्जाम्पल आई एम चेकिंग इट विद आर्यन। मैरीलैंड स्टेट की मैंने वेबसाइट ओपन कर ली,
मैरीलैंड डॉट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। ओ सॉरी, बिजनेस ऑनलाइन सर्विसेज में देख लेते हैं। ये देखिए आपको लाइसेंसेस, फॉर्म, सर्टिफिकेट्स, परमिट्स, एप्लीकेशंस, रजिस्ट्रेशंस, सारी उस स्टेट स्क्रीन स्टार्ट है, वो ओपन ही नहीं हो रहा ना, तो ये अभी हो रहा है बस। हाँ जी, ये SSN के थ्रू होगा, उसके बगैर नहीं होगा। मैं जस्ट आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहां से आप बिजनेस फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस, थोड़ा सा इसका टूर एक स्टेट की वेबसाइट का करा रहा हूँ। बाकी क्योंकि ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट है, तो फिर हम इसको पूरा प्रोसीजर कर नहीं सकते ना, हर स्टेट के लिए डिफरेंट है। ये इज द बिजनेस फाइलिंग्स एंड रजिस्ट्रेशंस, egovernment.maryland.gov/businessexpress। तो यहाँ पे आके हम LLC फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो जो US रेजिडेंट्स हैं वो बेसिकली वो इसी तरह से LLC फाइल करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग बेसिकली अपनी आइडेंटिटी उसको नहीं दिखाना चाहते। LLC का पर्पस क्या है कि आपकी पर्सनल लाइबिलिटी मिनिमम हो जाए। जो लोग इस पर बिलीव करते हैं कि उनका पर्सनल नाम कहीं पे ना हो, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी किसी किस्म की ना हो, तो वो भी इवन दे यूज SSN नंबर फॉर सम रजिस्टर्ड एजेंट, वो अपना SSN नंबर यूज नहीं करते, ठीक है, अपने SSN नंबर के थ्रू नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल दे हायर इंफाल या नॉर्थ वेस्ट एजेंट, उनको हायर करके और उनके थ्रू LLC बनाते हैं ताकि अपनी अपना एड्रेस भी उनका पब्लिक ना हो और अपना SSN नंबर भी उनका यूज ना हो, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। यहाँ पे आके न्यू बिजनेस ट्रेड नेम और टैक्स अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले, और अकाउंट क्रिएशन के बाद ये वाला काम शुरू होगा, ठीक है। एक चीज ये होगी, और अब और मैंने आपको क्या बताना है LLC से रिलेटेड है, हाँ, जो बैंक अकाउंट बनना है इसमें भी वाइज का ही अकाउंट बनना है, और वाइज का जो प्रोसीजर हम फॉलो कर चुके हैं इट वुड बी सेम, कोई भी फर्क नहीं होगा। फर्क कहाँ पे होगा, वाइल सेलेक्टिंग द कंट्री ऑफ बिजनेस, पहले UK किया था, अब वो US हो जाएगा, और US होने के बाद जो बिजनेस की डिटेल्स हैं वो सारी US की आ जाएंगी, ठीक है। US LLC की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, इसके अंदर वो आपसे EIN भी मांगेगा, आपको EIN भी देना पड़ेगा उसमें, ये वाला फर्क आएगा सिर्फ। तो वाइस का अकाउंट बन गया, उसके बाद फिर आगे सेलर परमिट नहीं रिक्वायर्ड नहीं है अभी, BLU की हम चीज़ें कर रहे हैं। सेलर परमिट मैं आपको बताऊंगा होलसेल जब स्टार्ट करेंगे, तो होलसेल में फिर बताऊंगा कि किस तरह से सेलर परमिट लेना है, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट किस तरह से लेना है उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो वो भी रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके बाद फिर डायरेक्टली आपका साइन अप है सेलर सेंट्रल पे, सेलर सेंट्रल पे जो साइन अप है वो भी सेम प्रोसीजर है जिस तरह से आपका UK का था, लेकिन अगेन
जब यूएस का आप सरेंडर करेंगे तो आपको EIN नंबर उसमें देना होगा। आपको इसका वो मिलेगा ऑपरेशन डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो जो होते हैं क्या एक लेटर मिलता है कि आपकी एलएलसी इस बंदे के नाम पे ये रजिस्टर हो चुकी है, स्टेट का लेटर होता है, वो इन फाइल या जैसे भी आप करेंगे वो आपको मेल कर देंगे सर, उसमें कोई इशू नहीं है। जी रोड मैप मैं बना देता हूँ, बिल्कुल ये आप अच्छा मशवरा दिया। किधर गया वो? ये है ये नंबर से एलएलसी फाइल कर सकते? नहीं भाई, ये नंबर बाद में मिलना है आपको, पहले कंपनी बनेगी तो उसका टैक्स रजिस्टर होगा ना। आप कह रहे हैं पहले मैं टैक्स रजिस्टर करा लूँ, कंपनी बाद में बना लूँ, ये नहीं होगा। नंबर वन क्या है जी आपने सबसे पहले? US Business Incorporation जी, इसके लिए आपका नंबर वन स्टेप क्या है? बाय फोन नंबर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो फोन नंबर ले लें। नंबर टू बाय वर्चुअल एड्रेस। नंबर थ्री फॉर्म एलएलसी विद एनी रजिस्टर्ड एजेंट, उससे पहले सेलेक्ट स्टेट वर्किंग करें थोड़ी, किसमें आपने फॉर्म करनी है, उसके बाद उस स्टेट के रजिस्टर्ड एजेंट के साथ फाइल करना है, ठीक है? उसके बाद नंबर पांच पे आप अप्लाई फॉर नंबर सिक्स वाइस का बैंक अकाउंट अप्लाई करते हैं, और सेवन साइन अप ठीक हो गया जी। ये स्टेप सर क्लियर है, मसला मसाइल परेशानी किसी को? ठीक है अर्षद, जो ठीक करना चाहते हैं रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी जी एलएलसी रजिस्टर होने के बाद होगा ये इनप्लाइड, बिल्कुल जी। रिकमेंडेड वेबसाइट्स यहाँ पे आ गई है ना, हम लोग चाहते हैं कि मैं ना पूरे नोट्स बना कर जिस तरह वो मिलते हैं एग्जाम के, ये वाला एग्जाम है इसका, ये वाला चार पेपर है, ये याद करने हैं बस, ठीक है? और बड़े पार ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको खुद भी खचल होना पड़ेगा, फिर चीजें समझ आएंगे, ठीक है? लिंक्स मैंने दे दी है ना,
कोई मसला नहीं है, आप लोग का लेक्चर आपको पूरा लेना पड़ता है या आप लोग हो जाते हैं मिस भी हो जाए लेक्चर ना लेना पड़े तो हमें पता चल जाए सब कुछ हमें आ जाए, तो हमें 1.5 घंटा बैठना भी ना पड़े। अच्छा अब अगला स्टेप सुन ले ये और काम भी तो कर ले, हमने इसको करना है 1 मिनट जरा एक चीज करके देख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी बीपीएसपी था, बीपीएसपी बताना था आपको किधर है फौजिया को कब कहाँ पे है, उन्होंने हमें बीपीएसपी बताया वो भी जरूरी है अभी क्योंकि अभी आपको किसी क्लाइंट के लिए अगर बनाना पड़ जाए नो हाउ टू मेक द बीपीएस उसके यूज का नहीं पता तो फिर आपको इशू होगा जी। बताएं जी क्या करना है, बीपीएस आपने सिखाना था जी, यूएस रेजिडेंट होगा तो अभी जिस तरह से मैंने बताया वो डायरेक्टली फाइल करेगा उस स्टेट की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ऑनलाइन फाइलिंग होगी ठीक है, उसके अंदर ये फॉर्म्स फैक्स ये सब कुछ उसकी जरूरत होगी नहीं। मैं बताता हूँ चल मैं अमेजोन वाला आपको बता देता हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ मुझे फिर उसका पता है अच्छे तरीके से। AWS के ऊपर आ जाएं जी, AWS.amazon.com ये इनका अलहदा बिजनेस है, क्लाउड जो ये सर्विसेज है पता नहीं क्या क्या सर्विसेज है मुझे तो इनको देख ही जो है परेशानी होती है पता नहीं क्या क्या है आर्टिकलों को बताओगे ये क्या क्या है, ये वाली सर्विसेज है इनकी और इसमें से हम जो यूज करेंगे वो इसकी ये वाली करेंगे लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ और प्री बीपीएस ठीक है जी, इसके ऊपर क्रिएट एन AWS अकाउंट आपने ये बना लेना ठीक है। अब अकाउंट बनाना आप लोग कर लेंगे इट्स जस्ट लाइक मेकिंग जीमेल अकाउंट, वो अकाउंट आपने बना लेना मैं आपको साइन इन करके बस आगे का स्टेप जो है वो बता दूंगा वो क्या है। क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा कौन सा नहीं हो रहा उसमें यूजर से करना है इसको क्या हो गया
मैं तीन के थ्रू करता हूँ। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकनेक्ट हो चुका है, लेकिन जो ये मेरे भजन है ये अभी तक अपने साइन हो। क्या होता है बैड ट्रिगर्स या समथिंग रॉन्ग विद द रिक्वेस्ट, क्यों प्लीज चेक योर रिक्वेस्ट देन ट्राई अगेन। क्या मसला है? अकाउंट आई डी तो जैसे अकाउंट इज यूजर ईमेल, इसी के थ्रू कर रहे थे पहले। इतने में तो नया बात जान रहा था। नहीं भाई, इसका मसला है कोई तो इसको मैं देख लूंगा, या कल नया बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, क्लियर कुकीज या वो कुकीज कैसे ये क्लियर करते हैं, मतलब मुझे बहुत होती है सारी ये पासवर्ड सेव चीजें सेव सारा कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, आप लोग हाँ जी बड़ा मसला हो जाता है। चलिए इसको कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने जो सेलर सेंट्रल इंडिविजुअल है वो साइन अप कर लिया अभी। जी कितने लोगों ने कर लिया? जितने लोगों ने किया वन प्लस करते हैं, वन प्लस करते हैं जिन्होंने साइन अप कर लिए हैं। इतनी रैंडम इन्फो वाला तुमने अपने बनाए। समझ नहीं आ रही, कहते हो ना भैया आपने लेक्चर मिस कर दिए ना बीच में, फिर एक दो। चले, जिन लोगों ने मिस कर दिए हैं वो सर यूट्यूब की हेल्प ले लें, बाकी जो आपके बैचमेट्स हैं उनकी हेल्प ले लें। लेकिन ये कि विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो कोई भी साइन अप ना करें प्लीज, ठीक है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बगैर किस तरह साइन अप करना, नहीं तो वेरिफिकेशन जो है इनकी बहुत मुश्किल है आज की। जरा सी भी हल्की सी भी मिस्टेक भी करेंगे तो मसला बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जी, पूछ रही हूँ किस टाइप का भी, इसी टाइप के इसी तरह के इसी नस्ल के बिजनेस करते हैं जी जो आपको बता। इसके अलावा भी है ऑफलाइन,
इसकी फिर हम डिटेल कर लिखेंगे। क्वेश्चंस लेक्चर क्या हो गया जी, लेक्चर नंबर 9। अच्छा जी, अभी अभी कोई शॉर्टली सबसे पहले लेक्चर और उसके बाद हम और बात क्या की एंड डिस्कस किसी और एक्सपर्ट लोगों से जी समझ आई किसी को क्या किया है। हेलो, सारी रात रोंदे रहे मौला साहब हो गया जी, आपके साथ होता होंगे ना बताएंगे। गूगल से जाने और अमेरिका में नहीं बेच कर रहे थे मुझे पता चल जाएगा मैंने फॉर्म लिखा है। सर आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सर। आगे जी जी सॉरी, मम्मी ऊपर बटन हो गया था, बस बताएं क्या कह रहे थे। सर आगे फिर आपने बताया कि हाउ टू सेट पे ऑनलाइन सेट पे ट्रायल होते हैं, वहां पर जाने वहां पर आपने स्टेप्स का प्लान एड्रेस बताया था, वहां पर हमने अपना अकाउंट फिल करके सेट क्रिएट करना है और उसके फिर हमने ये वाला तो ट्रायल होती आपको
उसके बाद जो हमने बैंक अकाउंट यूज करना है वो डिवाइस से यूज करना है, लेकिन वहाँ पे बस कंट्री चेंज हो गई। अगर पहले हमारी यूके में कंपनी है तो भी हमने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सारा अकाउंट वाइस कराची बनेगा जैसे हमने पहले बनाया हुआ। फिर उसके बाद आपने हमें रोड मैप बताया था कि कैसे यूएस में हमने बिजनेस ओपन करना है। उसका पहला पॉइंट था कि हमने फोन नंबर खरीदना है, दूसरा पॉइंट था कि हमने वर्चुअल एड्रेस खरीदना है, तीसरा पॉइंट था कि स्टेट सेलेक्ट करनी है एल एल सी के लिए, चौथा पॉइंट था कि हमने एल एल सी लेनी है, हमने किसी एजेंट से फिर एल एल सी बना लेनी है, रजिस्टर करवा लेनी है, और पांचवा पॉइंट था कि हमने ई आई एन के लिए अप्लाई करना है आई आर एफ के थ्रू, फॉर्म टैक्स के जरिए हमें मिलेगा। फिर छठे पे था कि हमने बैंक अकाउंट बनाना है वाइज के थ्रू, सातवा पॉइंट था कि हमने अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है, उससे साइन अप करना है हमने। और फिर उसके बाद अभी आप हमें बी पी एफ सिखा रहे थे जो अभी आप तक हुआ था, बस आज हमें ही पढ़ा। चलो बहुत शुक्रिया जाकिल्ला, बहुत डिटेल में बता दिया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अभी कोई ईमान अफरोज कोई बात बता दें जी, वो भी आज आप लोग बता दें जी, हैंड रेस करें फोन सजाद हुसैन बताए जी, सजाद हुसैन साहब ईमान ताजा करने वाली बात हमें बताए, कोई हदीस कोई आयत कोई कॉल कुछ बता दो। जी शाह इकबाल कह रहे हैं कितने अमाल में इखलास लेते हैं जी, बिल्कुल जी सर। सर थोड़ी सी समरी बता दो जो आज हमने कराया है। समरी हो गई, छोड़ दे उसको, खत्म। मैंने इतना नहीं नहीं, अब आपने हमें कोई हमारा ईमान ताजा करने वाली कोई बात बतानी है वो बताया हमें। ईमान ताजा करने वाली बात बस उसे इंप्लीमेंट करना है। फरमान सुना दें जी, जी कोई चीज सुनाते हैं। हजूर सरवर कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसने अल्प गुनाहों को ऐसे पिघला देता है जैसे आफ्ताब बर्फ को। बिल्कुल जी माशाल्लाह, चले इसको आप वो कर दें, चले ठीक हो गया जी। जी दिलशाद अहमद कह रहे हैं, इसको बताएंगे कुछ जी। दिलशाद अहमद ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो लोगों को पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है गुस्से को वक्त अपने नफ्स पर काबू कर रखे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिल्द नंबर 4 और हदीस नंबर है 130। इसमें यानी कि अपने नफ्स पे काबू करना है अगर आपको गुस्सा आए तो, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो ये यानी कि पहलवानी यहाँ पर शुरू होती है, यानी कि आपको पता चलेगा कि आप किस काबिल हैं, पर आप खुद को बहुत भगवान समझते हैं, तो जब आप गुस्सा आएगा तो कंट्रोल करेंगे तभी आप ही अपने आप को पहलवान कहेंगे। बिल्कुल ठीक जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। ये मोहम्मद असद फरीद ने बहुत अच्छी हदीस के इन्होंने बताई, अक्सर बच्चों को जो है ना बच्चे ये पिछड़ पढ़े होते हैं नाजरा कुरान वगैरह, आजकल स्कूल्स में पता नहीं सब स्कूल्स में है या
मेरे बच्चों के स्कूल में है वो फिर 40 हदीस होती हैं वो उनको याद करवाते हैं, तो उसमें ये वाली हदीस जो है ना वो टॉप पे होती है, स्टार्ट में होती है, अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। ठीक है, मुसलमान वो है जिससे इसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन ही कितनी सख्त किस्म की हो गई है आजकल के दौर में। आजकल के दौर में अगर ये देखें तो ये मुसलमान की डेफिनेशन हमारे लिए बड़ी सख्त नहीं हो गई कि अगर हमारी जुबान से और हमारे हाथ से मुसलमान महफूज नहीं है तो हम मुसलमान नहीं है। तो चले हाथ वाला मामला तो हो जाता है, जुबान वाला मामला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप एक जगह बैठ जाएं, आपके चार दोस्त चार सहेलियां बैठ जाएं और वहां पे जो बंदा बैठा नहीं है उसका जिक्र ना हो या उसकी बात नहीं हो।